सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में सीएम शिवराज की जनादेश यात्रा। शिवराज सिंह चौहान की जनादेश यात्रा भोजपुर विधानसभा के सुल्तानपुर से भोपाल रवाना हुई। पर्यटन मंत्री ने कहा कि शिवराज जी दिल्ली जा रहे हैं, जो शिवराज जी चाहेंगे वही होगा। वही राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज है, मेरे गुरु थे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, उनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना, कार्यक्रम में कुर्सियां रही खाली। शिवराज सिंह चौहान ने सुल्तानपुर में कहा कि मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा जी की वजह से मैं 13 साल मुख्यमंत्री हूं। हमारा संकल्प है किसान को पूरी कीमत देंगे और कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे। मेरे नाम पर जो रोज शिकायतें हो रही हैं, राहुल बाबा आकर मेरे बेटे पर आरोप लगाया, दूसरे दिन माफी मांग रहे हैं। कांग्रेस में केवल कंफ्यूजन है। शिवराज ने कहा राहुल बाबा को नहीं संस्कृति का एहसास। कमलनाथ ने राजीव गांधी के साथ और आप सबका भी करता का आशीर्वाद और स्वागत करता हूं कि आपने मिल के हम लोग मांगेंगे। आज सुल्तानपुर से यह अभियान शुरू किया है, जनता का आशीर्वाद मिला है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। विकास हुआ है अद्भुत और अभूतपूर्व। आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता के प्यार का जो कर्ज है विकास और सेवा करके। भाई दिल्ली जा रहे हैं क्या? टिकट कल तक फाइनल हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। बुरहानपुर से हमारे संवाददाता रियाज फारूक की रिपोर्ट। इतबारा बाढ़ में पानी के संकट को लेकर बाढ़वासी में गहरा रोष है। बुरहानपुर शहर में बाढ़ नंबर 17 में पानी के गहरे संकट को लेकर बाढ़वासी बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है। बाढ़ के लोगों ने बताया कि पिछले 6 दिनों से बाढ़ में पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। हमेशा 4 से 5 दिन के अंतराल से ही पानी उपलब्ध हो पाता है। पानी उपलब्धता न होने के कारण बड़ी कठिनाई एवं परेशानियों से पानी की। तराना से हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। अवैध रेत उत्खनन करते उपकरण जब्त। तराना की रायपुरा डैम पर अवैध तरीके से नदी से रेती निकालते हुए नाव, एक जनरेटर, पाइप, एक उपकरण, जेसीबी, 2 ट्रैक्टर उपकरण आदि जब्त किए गए। समस्त उपकरण जब्त कर थाना कायथा में जब्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में गठित टीम की कार्रवाई के बाद खनन माफियों में भारी हड़कंप है। तो एक जेसीबी जब्त करी गई, एक भरा हुआ डंपर, वहाँ कुछ रेत भी 4-8 डंपर रखी थी, वो भी जब्त करी। साथ में 2 ट्रैक्टर और एक इनबिल्ट नाव है जिसमें अशोक लेलैंड का बड़ा इंजन लगाकर मोटे से सक्शन पाइप के जरिए रेत खींची जाती थी। अब ये सारी सामग्री हम लोगों ने जब्त कर ली है और इन पर आगे की कार्रवाई है। और हम लोग तो चाहेंगे कि रातसात हो जाए। रातसात करने के लिए, कार्रवाई के लिए हम लोग इसको कलेक्टर महोदय को प्रेषित करें। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। सुल्तानगढ़ में आचार संहिता का किया उल्लंघन। जिले के सुल्तानपुर में सीएम कार्यक्रम में से के पहले आयोजकों ने बांटी महिलाओं को साड़ियां। एक सी साड़ी पहनकर गांव से बुलाई गई करीब 1000 महिलाएं। सुल्तानपुर के बीजीबी पार्षद ने नगर में बांटी साड़ियां। मंच पर भीड़ जुटाने के लिए लोकगीत कलाकार साधो सामान के साथ बघेल दे रहे थे अपनी प्रस्तुति। राजनीतिक के मंच पर कलाकार दे रहे अपनी रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। कांग्रेस ने आचार संहिता का लगाया आरोप। कौन गया था देने? क्या क्या बोल रहे थे उपास जी? कुछ नहीं कहा है, बस साड़ी पहन के जाना। सब लोग एक सी साड़ी पहन के ना, ऐसा बोला होगा? जब यहाँ बात करी, मिलवाने की बात करी, कुछ कुछ नहीं कही। अब क्या चाहते हैं आप लोग मुख्यमंत्री जी से? हमारी टपर ये है कि तो मकान बन जाए। हाँ, क्या नाम क्या था उनका जो साड़ी बांटने आए थे? कितने लोगों को दिए थी? खुला उल्लंघन है। पूरे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह महिलाओं को घर घर जाके साड़ियाँ दी हैं और सब एक ही साड़ी में हैं। आप लोग देख सकते हैं, सारे लोग एक ही साड़ी में हैं, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरा, स्कूल परिसर में कार्यक्रम हो रहा है, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। पूरे बच्चे, स्कूल छात्र छात्राएँ पूरे स्कूल में बंद है, बाहर से ताला लगा हुआ है। उसके बाहर आपका 11 बजे से लगातार प्रोग्राम चल रहा है, भजन चल रहा है वहाँ पर।
सीएम अभी आए नहीं, 3 घंटे 4 घंटे तो से क्या ये प्रोग्राम मतलब भीड़ जुटाने के लिए लोक कलाकार आए हैं जो लोकगीत हो रहे हैं? सही लग रहा है, अब जब भीड़ कम दिख रही है आ नहीं रही है तो उनके लोक कलाकार ला रहे हैं, वो भजन करवा रहे हैं। रायसेन उदयपुरा से हमारे संवाददाता रामपाल लोधी की रिपोर्ट। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर सेवा दल कांग्रेस के द्वारा किया गया रक्तदान। बड़ी संख्या में सेवा दल कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया, जिसमें सेवा दल जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष एवं पार्षदगण मौजूद रहे। उदयपुरा से हमारे संवाददाता रामपाल लोधी की ये रिपोर्ट।